नमस्ते, मैं देवेंद्र ईवीपीएल एक्जीमियस से। पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मुझे एक सवाल ये पूछा गया था कि एक्सपांशन टैंक की अगर हमें साइज यानी कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो उसी साइज की उसी डायमीटर की टंकी क्यों लगानी है और उसी लेवल पे क्यों लगानी है। चलो इसकी चर्चा करते हैं। हमारी ये एक्सपांशन टैंक राउंड फिगर में, इसके बीच में होता है मैनहोल, एक आती है चार्जिंग लाइन छोटी पौने की या एक इंच की डायमीटर की, एक होगी वेंट लाइन और यहां से आती है ओवरफ्लो लाइन। अभी समझ लीजिए आपने छोटी टंकी लगा दी तो छोटी टंकी में भी वेंट होगी ही, ओवरफ्लो लाइन भी होगी और वो छोटी टंकी अपन ने सेम लेवल पे अगर बिठा दी तो छोटी टंकी का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम आपके काम में आ सकता है, क्योंकि जैसे आप भरते जाओगे तो उसमें से ओवरफ्लो होगा। बड़ी टंकी लगा दी, अब ये जो छोटी टंकी पहली वाली जो है वहां से ओवरफ्लो होते रहेगा, इसलिए बड़े टंकी का ऊपर का वॉल्यूम काम में नहीं आएगा। अगर ये बड़ी टंकी हम लोगों ने नीचे के लेवल पे लगा दी तो क्या होगा? तो होगा कि नीचे का जो डेड वॉल्यूम है वो डेड वॉल्यूम में कार्बन इकट्ठा होते रहेगा और वो वॉल्यूम कभी भी काम में नहीं आएगा, वो कार्बन आपके टंकी के ऑयल को डिग्रेड करता रहेगा। अगर आपने ऊपर लगा दी तो यहां से फिर से ओवरफ्लो होने ही वाला है, इसलिए टंकी सेम लेवल पे होनी चाहिए, सेम डायमीटर की होनी चाहिए, भले वो लंबी हो जाए, और उसको जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पाइप की कनेक्शंस लगानी चाहिए। इससे भी बेहतर अगर ये दोनों यहां से काट कर एक दूसरे को जोड़ दोगे तो एक दूसरे में ऑयल की मिक्सिंग और अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए एक्सपांशन टैंक की कैपेसिटी बढ़ानी है तो सेम डायमीटर सेम लेवल पे एक दूसरे को जोड़ना है। अगले हफ्ते से हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखते रहिए पल दो पल ईवीपीएल के साथ चल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए और आपका फीडबैक भी हमें दीजिए। दिस इज एक्जीमियस।